Good morning, kids. How are you all? Hope you all are fine at your home. So, kids, today I'm going to take your yoga class in which I will tell you something about yoga and okay, that why we do yoga, why we need to do yoga, and what is the importance of yoga. Okay, so kids, do you know what is it? Yoga is an ancient form of exercise which is said to originate in India in 1000 years ago. It involves breathing techniques and meditation along with exercise. Okay. इसमें हम ब्रीदिंग टेक्निक्स लाइक हम योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम आपने सुना होगा, जिसमें हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, ओके, एंड मेडिटेशन जिसमें हम बहुत अच्छे से अपना ध्यान लगाते हैं किसी चीज में और उससे हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है. विच आर बेनिफिट्स ऑफ आवर गुड हेल्थ? एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं. द वर्ड योगा डेराइव फ्रॉम द वर्ड संस्कृत विच इज कॉल्ड युज विच मीन्स यूनियन. योगा हेल्प्स अचीविंग यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी विद अ सेंस ऑफ हार्मोनी. कंसीक्वेंसेस, किड्स, प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली मेक्स अस हेल्थ वेरी गुड एंड मेक्स अस वेरी स्ट्रांग. अगर हम डेली योगा करेंगे तो हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. कीप्स अस फिजिकली फिट एंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेंटेन अवर ओवरऑल हेल्थ. ये हमारी फिजिकली, मेंटली एंड जो हमें स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करने में भी बहुत हेल्प करता है. फोकसेस ऑन सेल्फ हीलिंग. योगा हेल्प्स अवर बॉडी टू काम डाउन एंड रिलैक्स. योगा हमारी बॉडी को काम डाउन मीन्स रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है. इट ऑल्सो इंक्रीज द कंसेंट्रेशन पावर. इफ आपका कंसेंट्रेशन आपकी पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो यू हैव टू डू द योगा. आपको योगा करने की बहुत जरूरत है जिससे आपकी स्टडीज में आपको मन लगे. स्कूल चिल्ड्रन एनकरेज टू डू योगा बिकॉज इट हेल्प्स टू कंसेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज. स्कूल चिल्ड्रन को योगा बहुत जरूरी करना चाहिए क्योंकि वो हमें पढ़ाई में मन लगाने के लिए हेल्प करता है. योगा रीजेन्यूएट द बॉडी बाय कीपिंग बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स हेल्दी एंड फ्लेक्सीबल. योगा करने से हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सीबल रहती है, हमारे अंदर बहुत फ्लेक्सीबिलिटी होती है. इट इज यूज एज द मीन्स ऑफ अलाइनमेंट. इट हेल्प्स अस टू गेन मास्टरी ओवर द बॉडी एंड हेड. हम अपनी बॉडी और अपनी हेड पे कंट्रोल कर सकें उस पर ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग मैनी डिजीज एंड ऑल्सो कैंसर. योगा इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी एंड मेंटेन अवर बॉडी बैलेंस. योगा एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी और अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम फिट रह सकते हैं. सो किड्स, यू ऑल हैव टू टेक योगा इन योर डेली रूटीन. आपको अपने डेली रूटीन में योगा भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि आप योगा करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और आपकी बॉडी बहुत फिट रहेगी. सो किड्स, हेयर आर सम योगा स्टेप्स यू हैव टू डू डेली इन योर डेली रूटीन. ओके, आपको ये रोज करने हैं जो यहाँ पे अभी वीडियो द्वारा आपको दिखाए जाएंगे. ओके किड्स, डू दिस योगा एंड इट्स यू हैव टू सेंड अ वीडियो बाय डूइंग दीज योगास. ओके, सो आपको ये योगासना बहुत अच्छे से करने हैं. ओके किड्स, सो डू इट वेल. सूर्य नमस्कार. सूर्य की तरफ मुख करके तन कर खड़े हो जाएं. अपने पैरों को जोड़कर और हथेलियों को नमस्कार करने की मुद्रा में ले आइए. गहरी सांस लेकर सांस को नियमित करें. सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें. दंडासन यह बैठने की मुद्रा है जो आगे झुकने के लिए होती है. टांगों को बाहर की ओर खींच के जमीन पर बैठ जाएं, जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें, हथेलियों को कुल्हों के बगल में जमीन पर रखें, उंगलियां सामने को रहें, कोहनियों को कस के दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें, पीठ सीधी रखें, छाती को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं, घुटनों को साधें, टांगों के पिछले हिस्से को खींचे, पैरों के तलों को फैलाएं, 20 से लेकर 40 सेकेंड्स ऐसे ही रुकें. सामान्य रूप से सांस लें. इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक रहती है. रीढ़ की हड्डी और टांगों की मांसपेशियां में तनाव आता है. धीरे से शरीर को आराम दें. वज्रासन इस आसन को विद्युत मुद्रा भी कहते हैं.
पद्मासन की तरह वज्रासन भी एक ध्यान लगाने की मुद्रा है। घुटनों के बल एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पर रखें। घुटनों को साथ में रखें, एड़ियों को थोड़ा दूर रखें और पंजों को एक दूसरे से छुलाएं। पीठ सीधी रखें और कंधे ढीले छोड़ दें। आंखें बंद करें और सांस पे ध्यान दें। सामान्य रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 1 से 3 मिनट तक रहें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। वज्रासन दिमाग को शांत रखता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। पाचन शक्ति में भी यह सहायक होता है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने घुटनों पर आते हुए खड़े हो जाएं और विश्राम करें। ऊर्ध्वहस्तासन। ताड़ासन से शुरू करके अपने बाजुओं को अपने सिर से ऊपर ले जाएं। साधारण तरीके से सांस लेते रहें। कई लोग सांस रोक लेते हैं, ऐसा न करें। आधे मिनट के लिए इसी मुद्रा में रहें। यह मुद्रा आपको सही खड़े रहना सिखाती है और दिमाग को सतर्क रखती है। अब हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित यानी खींचा हुआ और त्रिकोण यानी त्रिकोण। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, अपनी टांगों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और बाजुओं को टांगों के साथ रखें। पंजों को सामने की ओर और हथेलियों को नीचे के तरफ करते खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री से बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर करें। दाईं ओर झुके और दाईं हथेली को दाएं टखने या जमीन पर रखें। अपनी बाएं बाजू ऊपर खींचें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह है उत्थित त्रिकोण आसन। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं और बाजुओं को टांगों के साथ में सटाएं। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे और दाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। यही क्रिया दोहराएं। यह आसन टांगों की आकृति ठीक करता है और टखनों को मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कंधों में सीधे में लाता है। गर्दन के बल को भी यह ठीक करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। धीरे से ऊपर उठें और अपने पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं। ताड़ासन में वापस आ जाएं और शरीर को विश्राम दें।